श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं स्फुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने श्रीहरिः। ये तो स्वयं फल रूप है कि जो भगवान को अपने आप को समर्पण कर देता है उनके प्रेम के चरणों में, वो इस प्रेम की उपलब्धि करता है, किसी साधना के द्वारा नहीं मिलता। इस प्रकार से उन्होंने सुखदेव जी ने उत्तर दिया। तो ऋषित महाराज की बोली तो बंद हो गई, उत्तर मिल गया, पर तृप्ति हुई नहीं। भई स्तन्य काम कैसे स्तन्य काम थे, किस प्रकार ये दूध पीते थे, कैसा क्या भाव था। तो सुखदेव जी अंतर्यामी जान गए तो सीधे न कह करके लीला कथा के रूप में सच्चा इतिहास बताने लगे। ये अष्टम अध्याय समाप्त हुआ, अब नवम अध्याय प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं ये उखल बंधन लीला है, दामोदर लीला है, नलकूबर उद्धार की लीला है, और इसमें आप देखेंगे मर्यादावादियों के लिए तो बड़ी शंका की चीज, वो माया वाया कह के टालेंगे। इसमें भगवान के कामना है, इसमें भगवान के क्रोध है, इसमें भगवान के लोभ है, इसमें भगवान चोरी करते हैं। जैसे चोर डरता है उसकी आंखें डरी होती है, ऐसे इनकी आंखें चोरी से डर जाती हैं। ये फिर माँ के हाथ की छड़ी देख के भय से भागते हैं, भय होता है, दुख होता है, भय के मारे रोते हैं, और माता के द्वारा बांध दिए जाते हैं। ये सारी बातें जिनको हम अज्ञान की सीमा कहते हैं, ये ज्ञान मूर्ति में स्वयं यहाँ पर लीलायित होती हैं। इसलिए ये जो दो अध्याय हैं बड़े मधुर अध्याय हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानी यानी ये गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तन्य गायत क्षोमम वास पृथुकटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह सुदकुच युगम जात कंपंच शुभ्रुहु रज्ज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकनव कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरिहि गृहीत्वा गधिमंथानम निषेधत प्रीतिमावहन तमंक मारूढ़मपायत्स्तनम श्रेयस्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसी तुधिश्रुते संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदश्य दधिभिर्दधिमंथ भाजनम
वित्वा मृषा सुर दस दुश्मन आरहो जघास हयंगव मंतरम गत उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पय पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम भगनम विलोक्य सुसुतस्य कर्म तज्जहासतम चापि न तत्र पश्यति उलूखलांग्री परिव्यवस्थितम मरकाय काम ददतम शिशिष्यतम हय्यव हय्यंगवम चौर्य विषय विशंकित यक्षणम निरीक्ष पश्चा सुतमागमच्छनैहि तामात्मजष्टिम पसमीक्ष सत्वरस्ततो वरुज्या पसतारभीतवत् गोपन वधावन्नम यमाप योगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितं मनः अनवंच माना जननी बृहत्तल श्रोणी भराक्रांत गतिस्तु मध्यमा जवियन विसृंसित केश बंधन च्युत प्रसूता अनुगति परामृशत कृतागसम तम प्रवृंत मक्षणी कसंत मज्जन मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमानं भय विवलेक्षणम हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ति वागुरत। बड़ी सुंदर लीला है ये। जब गोपियां बार बार उलाहना देने आती तो यद्यपि मैया ने सब चीजें स्नेह से ठीक ही मानी पर मैया के मन में वात्सल्य भाव का और भी अधिक उदय हुआ। मैया ने सोचा कि ये गोपियां कहती है तो जाता जरूर होगा, ये सभी थोड़ी झूठ बोलती है और जाता है तो खाता पीता भी है, तो पेट भरा रहता तो खाता कैसे। तो मालूम होता है बच्चा भूखा रहता है। जब भूखा रहे बच्चा तो उसको चोरी वोरी का ज्ञान नहीं, तो जहां जो मिले खा ले बेचारा। तो बोले फिर भूखा क्यों रहता है। तो मैया के मन में आया ये कितना मधुर वात्सल्य है। मैया के मन में आया कि सारा का सारा दोष मेरा है, मैं तो रानी बनी बैठी हूं ना, तमाम काम मैंने छोड़ रखा है दासियों पर और दासों पर। दूध दूहते वो हैं, गर्म करती हैं दूध को दासियां, ठंडा वो करती हैं, बिलोती वो हैं, माखन वो निकालती हैं। तो उनको थोड़ी चिंता रहती होगी कि बच्चे के लायक माखन बना कि नहीं बना। जरूर माखन अच्छा नहीं बनता और जरूर दूध में कोई ना कोई कसर रह जाती है, इसलिए वो बेचारा खा पाता नहीं। और वो गोपियां सब करती हैं अपने हाथ से अपना काम, वो तो रानी ठहरी नहीं। तो उनके यहां दूध माखन अच्छा बनता है। तो ये भूखा बच्चा बेचारा उनके घर चला जाता है और खा पी लेता है। तो मैया के मन में ये भाव आया तो न तो बच्चे के प्रति रोष और न गोपियों के प्रति रोष, अपने प्रति मन में भावना आई कि भाई तू कमकस हो गई और काम काज करती नहीं और तेरे मन में स्नेह की कमी है। तो मैया अब अवसर ढूंढे। मैया ने सोचा कि ऐसा करें मैं ही तो दूध दूहूं और उसे मैं ही गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ाऊं और मैं ही देखती रहूं, जब वो खूब कढ़ जाए तो मैं ही उसमें जामन दूं और फिर मैं ही सवेरे जल्दी उठ करके नहा धोकर उसको बिलाऊं और वो मक्खन में अपने हाथ से खिलाऊं, तब पता लगे कि ये फिर चोरी करने जाता है कि फिर नहीं जाएगा। तो मैया अभी अवसर ढूंढे, पर वो जो श्री कृष्ण के सेवक सेविकाएं जो, वो तो मैया से भी बढ़कर, उनके काम में मैया तो कहीं अपने मापने के अभिमान में भूल जाए, यद्यपि यशोदा ऐसी नहीं, परंतु उनके तो हृदय में बड़ा ऊंचा भाव कि किसी प्रकार से भी कन्हैया को सुखी रखना है, अपनी जान में वो कोई कमी करे नहीं। और मैया के मन के भाव का उनको पता नहीं। अब मैया साफ साफ कहे नहीं, मैया ये भी जानती है कि ये इतना काम करती है दिन भर, तो इनको कहीं उलाहना दे दिया जाए इनको दुख होगा, पर उलाना भी झूठा ही था अगर देती तो। मैया खुलकर तो कहे नहीं
और बहानेबाजी करे, बोले आज तुम दूसरे काम में लग जाओ तो मैं जरा दूध दूहूं। तो उन्होंने कहा कि हम इतनी राशि रात दूध दूह लें? बोले आज मैं गर्म मैं रख दूं। बोले ना ना, आप क्यों गर्म रख दें, हम सब है ना। तो वो जाए नहीं। अब मैया के मन में जो जो दिन निकले त्यों त्यों मैया के मन में उतावली होती जाए, मन में व्यथा हो कि अपने हाथ से एक दिन खिला पिला के देखूं, तब मन में सांत्वना आवे। तो एक दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन क्या हुआ कि ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा जिस आजकल गोवर्धन पूजा होती है, ये वहां होता था इंद्रयाग। पहले इंद्रयाग होता था, ब्राह्मण भोजन होता, पूजा होती, हजारों हजारों ब्राह्मण जीमते, बड़ा भारी आयोजन होता। तो नंद रानी ने कहा ये मौका ठीक है, इस बहाने सबको भेज देंगे आज। तो सारे गोपगण उसमें जाते, नंद बाबा भी जाते, सब लोग जाते, हर वर्ष होता। तो अब की बार तो लाला हुआ है ना, और बात तो करते किया करते उत्सव प्रथा के रूप में, पर आज तो लाला के कल्याण की कामना भरी है मन में, लाला सुखी हो, इसका भाग्य जागे, ये स्वस्थ रहे, देवताओं की इस पर कृपा प्राप्त हो, सब देवता इसको आशीर्वाद दें, इस कामना से अब की बार विशेष उत्साह से उत्सव मनाया जाने वाला है। तो अमावस्या के दिन ही सबको हुक्म हो गया कि सारे गोप आज गोवर्धन की तरेटी में जाएं और वहां अनुष्ठान की व्यवस्था की जाए। मैया ने बुलाया सबको, दासियों को, बोले देखो भाई ये लाला के हित के लिए हो रहा है यज्ञ, तो ब्राह्मण जी मेंगे, ब्राह्मणियां बहुत आवेंगी, तो मैं तो चली जाऊं घर के, लाला को छोड़कर तो ये रोएगा, छोटे बच्चों को ले कहां जाऊं, तो मैं तो यहां रहूं, अगर मैं रही तो मैं सब काम संभाल लूंगी, तुम एक एक चली जाओ। तो उन्होंने कहा मैया ऐसी क्या बात है, दो चार रह जाए। बोले ना ना, ये लाला का आज हित जो करना है, तुम लोग रह जाओगी, कहीं किसी काम में त्रुटि हो जाए, किसी ब्राह्मणी के पास न पहुंचे काम ठीक ठीक तो ठीक, नहीं तुम सब चली जाओ। यशोदा ने सोचा मन में कि आज भगवान नारायण ने मेरी अरदास सुन ली, आज बात सुनी, तो आज ये सब के सब चली जाएंगी अमावस्या कोई, तो बस अब सारा काम मैं कर दिया। तो समझा बुझा करके सबको, सारी दासियों को इन्होंने भेज दिया, सबको भेज दिया। अब महाराज इनके यहां तो 9 लाख गायें थी, एक दो गाय थोड़ी थी, तो उन सारी गायों को दूहने वाले लोग तो नहीं रहे, वो तो काम में रहे, लेकिन इनके यहां ऐसी कुछ गायें थी जिनका दूध पद्म गंध को लिए हुए होता था। वे गायें क्या थी, वे तो भगवत स्वरूपा ही थी सब, यहां तो रस्सी वस्सी भी सारी भगवत स्वरूपा ही थी, सब चेतन। तो वो गायें और गायों का दूध वो सब भगवत स्वरूप ही, तो उनका दूध बड़ा अच्छा होता था। तो मैया ने सोचा कि ये जो दो चार गायें हैं इनका दूध मैं दूहूंगी स्वयं। तो मैया ने स्वयं, मैया ने देखा कि दूध पहले दूह लें तो जरा, अब आज बड़ी सावधानी है ना, तो जरा दूध दूहने गई तब भी नहा करके गई, दूध दूहने गई तो नहा करके गई, कहीं अशुद्ध अवस्था में दूध दूह लिया और अशुद्ध अवस्था में कहीं दूध में कुछ हो गया तो मेरा ही, मेरी सारी योजना ही निष्फल हो जाएगी। तो नहा धो करके मैया ने और बड़ी सुंदरता के साथ, शुद्धि के साथ दूध दुहा। दूध दो करके मैया ने चूल्हे पर चढ़ाया, स्वयं आग जला करके आग, और पास बैठी रही।
कहीं खराब न हो जाए, कोई चीज गिर न जाए, कहीं ज्यादा गाढ़ा न हो जाए और कहीं बिना गाढ़े हुए भी रह न जाए। तो मैया ने वो उसको बड़ा घन बनाया, थोड़ी मिश्री डाल दी उसमें, बोले कुछ मीठा भी पहले से बना दें और सुगंधी के लिए थोड़ा सा कपूर डाल दिया। और मैया ने बड़ा सुंदर वो बना के रखा। अब वो दूध जब तैयार हो गया तब मैया ने उतार करके धीरे से बोले, भाई ये परंपरा की जो घर की चीज है उसी में करना है। तो एक मटका था बड़ा भारी, जिसमें मनो दूध औंटा जाए, ये रखा जाए, बिलोया जाए, और ये गोपियां जो है ना, ये कोई बैठ कर नहीं बिलोया करती थी, खड़ी खड़ी बिलोया करती थी। बैठ के कैसे बिलोवे इतने बड़े दूध को, इतनी बड़ी मथानी को लेकर। तो ये दलिया सास के जमाने की बड़ी सुंदर वो पूजा भी रखी जाती हमेशा, उस मटकी को ला करके धोया, धो धा करके उसमें दूध रख करके और जमा कर ठीक से सारी व्यवस्था कर दी, कोई बिल्ली बिल्ली ना आ जाए, ढक ढका करके धर दिया। अब यशोदा मैया आई, अब ये गोविंद को ले करके और स्तनपान कराने लगे। अब ये बड़ी विचित्र बात है महाराज, ये सब सुनकर के धारण करने की बात है हृदय में। ये जितने योगी है ना, सिद्ध पुरुष समाधिस्थ होने वाले, इनका चित्त रहता है अशांत। ये अशांत चित्त को जब स्थिर कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, सुस्थिर कर लेते हैं, तब उनके हृदय में परमात्मा की ज्योति का प्राकट्य होता, उद्भाषित होती ज्योति। परमात्मा नहीं आते, परमात्मा की ज्योति के उनके हृदय में दर्शन होते हैं। कब? अपने उछलते हुए मन को शांत करने तक। और यहाँ क्या बात है, यहाँ उछलते हुए नंदनंदन को मैया हाथ फेर के शांत कर रही है। ये कूदते फांदते अशांत, मैया ने इसका नाम, अरे बड़ा अशांत है तू, बड़ा अशांत है। तो ये अशांत उछलते कूदते हुए ब्रह्म को मैया क्या करती, मैया साथ नहीं सुलाती, अपने वक्षस्थल पर धारण करके उनको सुलाया करती। तो दूध पीते पीते और यही वक्षस्थल के ऊपर ही सो जाते, सिर यही रहता। मन में आया तब दूध पीने लगे फिर तो वक्षस्थल पर ही सोया करते ये। तो मैया जो है, ये कितना सुंदर भाव, ये अस्थिर बालक पैर पटकता है जब तक नींद नहीं आती, यूं हाथ फेरता है, यूं मुंह करता है। तो उसके हाथ फेर फेर कर, सिर पर हाथ फेर फेर, थपकी दे देकर मैया, और उसको निद्रावश करती है, सुस्थिर करती है। वो तो कहते हैं कि हम नींद से जाग जाएं, तब तप में लगें, ध्यान में लगें, और ये जिसका ध्यान किया जाता है उसको सुलाना चाहती है और सुला लेती है। और एक दूसरी बात है, उनके तो हृदय में भगवान आते हैं, अंदर सोते हैं वो, और ये हृदय के बाहर और भीतर अंदर तो भरे हुए हैं ही, हृदय के ऊपर भी सुला के रखती है प्रत्यक्ष में। तो नींद भी इनकी नींद दूसरी, ये जब सोती हैं तो हम लोग जो सोते हैं ना प्राकृतिक लोग, तो जब इंद्रियां हमारी अवसन्न हो जाती हैं, थक जाते हैं हम, तो हमको तो वो थकावट की नींद आती है, वो तमोगुण का रूप है, निद्रा को तमोगुण का लक्षण बताया है। तो हमारी जो नींद है वो तो देह और इंद्रियों की अवसन्नता से, शांत थकावट से तमोगुण रूप हो जाती है हमारी इंद्रियां, तब नींद आती है। और योगियों को समाधि में बाह्य ज्ञान लुप्त होता है, और यहां क्या है,
यहाँ मैया जो सोई है ना, इसलिए इस भाव को लेकर के मैया को नींद आ गया, अब तो ये लल्ला सो गया। अब थोड़ी देर तक ताजगी प्राप्त करके लल्ला की सेवा करनी है, जल्दी उठना है। उस प्रेम के भाव से ही मैया सोती है, सोने के लिए नहीं सोती। तो ये बक्ष पर धारण किया और धारण करके मैया को जरा नींद लगी, पर नींद काहे को थी, वो तो प्रेम निद्रा थी, न तो योग निद्रा और न माया निद्रा और न तमोमय निद्रा, ये तो प्रेम निद्रा थी। मैया उठी, उठी पिछले पहर। ये पिछले पहर, पिछला पहर जो होता है ना, इसमें दही बिलोया जाता है। सूरज उगने के बाद वो गर्मी से पिघल जाता है ना, तो दूध में वो दही में मिल जाता है घी, तो निकलना मुश्किल होता है। तो रात रहते रहते चौथी पहर में ही, जहाँ जिनके बहुत दूध होता था उनकी बात, ये देवियां दही बिलोने बैठ जाती थी प्रातः काल जल्दी से, कि जिसमें वो अच्छे से अच्छा उनको दूध वो मक्खन प्राप्त हो। तो ये मैया उठी, उठी मैया तड़के ही उठी, और तीसरी पहर के अंत में उठ गई, चौथी पहर में तो काम शुरू करना है। तो मैया उठी, मैया उठ करके, और दिन तो क्या है कि मैया उठती देर से, सब काम तो दासी वासी कर ही लेती, देर से उठने का ये काम नहीं कि आलसीन थी मैया, इसलिए कि लाला जो है ये जल्दी उठने से जाग आवेगा और कहीं मुझको न देख पावेगा तो उसको दुख होगा, इसलिए देर से उठती ये। और जागती रहती, तो जागती जागती श्याम सुंदर के मुख मंडल की ओर देखती रहती अतृप्त नयनों से। ये श्यामल अंगों को देख देख करके और थपकी देती रहती, सोया रहे अभी, और अभी तो बहुत रात है, सोया रहे यूं सुलाया करती। तो ये रोज ऐसा करती और फिर जगाती, फिर बड़े मजे में गीत गा गा करके लाला को, और कहती कि माखन तैयार हो गया है लाला उठ। अब जब माखन का बड़ा लोह मिलता तब ये आंख खोलते। आज मैया को जल्दी उठना, तो बड़ी उत्कंठा मैया के मन में, कहीं अतिकाल न हो जाए, कहीं दूध खराब हो गई, वो मक्खन खराब हो गया, मुश्किल। पर साथ ये डर भी, ये छुसोया हुआ यहाँ पर, इसकी इनके नींद टूट गई तो ये बिलोने देगा ही नहीं, ये तो फिर पकड़ के बैठ जाएगा, नहीं देगा नहाने धोने ही, तो बिलोने का काम तो कौन करेगा, सारा ही श्रम खराब हो जाएगा। तो बड़ी सावधानी से मैया ने धीरे से उसके जो हाथ दिया, पहले उसके हाथ पर सिर आ जाए तो रखा, फिर तकिया बगल में रख लिया, फिर धीरे से हाथ सरका कर तकिए पर सिर रख दिया, और थपकी थपकी देकर अपने अंगों को धीरे समेटा, जोर से नहीं उठी। और फिर श्री कृष्ण के अंगों से अपने अंगों को अलग करके और सैया से उठ गई। उठ करके फिर देखा कि जाग न गया, तो फिर थपकी उपकी देकर सुला दिया, देखा कि नीलमणि सोया हुआ है निद्रा में, तो धीरे धीरे पलंग से नीचे उतर गया, उतर आई। फिर मन में जरा फिर देखने एक बार देखने, तो बिजली बिजली तो थी नहीं ब्रज में, और रात भर वो दिया जल रहा था, तो दीपक की लौ हिल रही थी। तो रात भर तो मैया उसको सुलाए रही, देखती रही, तो मानो वो दीपक की शिखा हिल हिल कर कह रही है सब चेतन रहे कह रही मैया, इसके सिर के लिए तो तेरा हृदय स्थान ही ठीक उपयुक्त जगह है, हिलती है ना, बड़े उठ मत,
वो हिलती हुई दीपक की शिखा मानो मैया से कह रही थी कि ऐसे जो मृदुल अंग हैं ये सैया पर सोने योग्य नहीं हैं, ये तो प्रेमी भक्त के हृदय के ऊपर ही रहने योग्य हैं। वो हृदेश ही इनके लिए वास्तविक स्थान है। तो मैया तू उठ मत, तेरा जो हृदेश है यही उपयुक्त स्थान है। यशोदा रानी को उठना था, उठ करके दीपक के निकट पहुंच और सोने की सलाहकार रही, उससे जरा दीपक का जो वो झाड़ दिया और उज्जवल ज्योति हो गई। तो मैया ने कभी सोचा जरा देख ली, तो दिया उठाया हाथ में, दिया हाथ में ले करके और मैया सोए हुए श्याम सुंदर के पास पहुंची। अब वो श्याम सुंदर के ललाट से लेकर के चरणारविंद तक देखा, घुमा घुमा करके तीन बार घुमाया दीवे को, ऐसे घुमाया तो कार्तिक का महीना था, लेकिन वो घर में रात भर सोया हुआ तो जरा जरा सा पसीना सा आ गया था उनके भाल पर। तो मैया ने देखा, देख करके मैया ने जरा धीरे से आंचल से फिर जागने जा, फिर मैया ने देखा कि मैं तो जाती हूँ, छोड़कर कोई आ गया और नजर लग गई तो वात्सल्य भाव है ना। तो मैया ने वो दीपक के अंदाग्र भाग से ऐसा काजल लिया, ये बाम तर्जनी और अंगुष्ठ से जरा सा काजल लिया मैया ने, और ले करके मैया ने और ये भ्रू मध्य पर, श्याम सुंदर के भ्रू मध्य पर तिलक कर दिया काजल का, काजल की रेखा लगा दी, बोले अब नजर नहीं लगेगी। और फिर ये भाल पर लगे श्याम बिंदु को देखकर रोम रोम पुलकित हो गया मैया का। अब ये श्याम बदन पर श्याम बिंदु लगा, अनोखी छटा हो गई, मैया बड़ी प्रसन्न तन में होगी। पर मैया को याद आ रही, तू तो यहाँ इसको देखने में लगी देर हो रही है। तो मैया ने सोचा कि तो रात के पहने कपड़े हैं ना, इन कपड़ों से कहीं दूध वूध दूह ले और कहीं कुछ बच्चे को हो गया तो डर गई मैया। तो मैया ने क्या किया कि स्वयं कुएं से पानी निकाल के रखा था, रात को नहाई थी ना, तो अब मैया ने जा करके पहले स्नान किया, हाथ पैर धोए, फिर कपड़े बदले, रात को पहने हुए सब वस्त्रों को उतार दिया और एक रेशमी घाघरा था, रेशमी घाघरा, उस घाघरे को लेकर के बांधा, सूत्र नद्धम है ना, वो बांधा उसको। और इसलिए जब सिपाही जाता तो कमर बांधता है ना, आज काम करना है, दही बिलोना है। तो घाघरा धारण किया मैया ने, कंचुकी पहनी और बड़े मजे में मैया जो है अब निकली वहां से। तो जा करके मैया ने अब दूध की उसके दही के बर्तन को देखा मैया ने, तो मैया ने सोचा कि बस आज काम बना, आज सारा काम अपने हाथ से करना है। तो मैया जा करके दधि मंथन करने बैठ गई और दधि मंथन मैया करने लगी। अब मैया दधि तो मथ रही है इसलिए कि लल्ला को बढ़िया से बढ़िया माखन खिलाना है। और मैया का हृदय कहाँ लगा है? कन्हैया की बाल लीला में, वही लीलाएं, नई लीलाएं उसके हृदय में उदित हो रही हैं। और लीला उदित हो रही इसी प्रकार से उसके द्वारा गुनगुन मजे में सुंदर सुंदर गान शुरू हो गया।
गान शुरू हो गया, मैया गाने भी लगी, तीनों अंग लग गए ना, हाथ से सेवा करने तो श्री सेवा में लगा, मन चिंतन में लगा और वाणी है ये गुणगान में लगी। तो इस प्रकार मैया आनंद में भरकर गाने लगी। तो ये भगवान जो हैं, ये तो बड़े चतुर हैं, लीला बिहारी। तो भगवान ने देखा, अंदर ही अंदर देखा, अभी उठे नहीं कि मैया तो गई। अब मैया के क्या था, वो मैया के हृदय पर तो निरंतर ही भगवान खेलते हैं ना। ये भक्तों प्रेमियों के हृदय में प्रेमास्पद के सिवा किसी के लिए स्थान नहीं रहता। कोई भी संसार की तो बात अलग है, स्वयं भगवान किसी ऐश्वर्य मूर्ति को धारण करके आवे कि तुम जरा सा हमको तो देख लो, ये कह देंगे हमको फुर्सत नहीं, बोले तो जरा हमारा चिंतन कर लो, बोले हृदय में जगह नहीं, चले जाओ लौट जाओ। तो ये विचित्र बाल विग्रह भगवान का, विचित्र बाल लीला की सारी मैया के हृदय में भरी हुई, ये नए नए भाव से उद्भाषित होने लगी, मैया के हृदय को उल्लसित कर दिया। तो क्या हुआ, मैया दधि मंथन करती है, तो दही बिलोती है ना, तो बिलोतने में एक ध्वनि हुई, ध्वनि होती है उसकी उसकी बिलोने की। तो उस बिलोने की ध्वनि के ताल ताल पर मानो मैया का माधुर्य सुधा सिंधु उछल उछल कर प्लावित होकर मुंह के द्वार से नाचने लगा उस ध्वनि के साथ ताल देकर। तो अब इसको मैया तो अकेली जा रही है ना, तो सुने कौन, सुने कौन मैया के इस गान को, सुने कौन। तो मैया के कान ही उसमें लग गए, वो मैया के मुख से निकली हुई दधि मंथन की ध्वनि के साथ साथ संगीत ध्वनि ये मिल करके और कानों में प्रवेश करने लगी, और वो जाकर प्राणों को और भी झंकृत करने लग गए। जरा ध्यान दीजिए, अंदर जा करके और ध्वनित करने और भी उल्लसित करने लगे हृदय को, तो नई लीला का अद्भुत होने लगा। मुंह से गावे साथ साथ बाजा मिल गया, और गाने से वो अपने आप ही सुने, और वो लीला जब अंदर जाके प्राणों के साथ वो संपर्कित हो तो नई नई लीला और विकसित हो। तो मैया मंथन तो कर रही है, पर मैया का हृदय, मैया के हाथ, मैया के कान, मैया के सारी इंद्रियां ये बाल गोपाल की लीला माधुरी में निरंतर रत हो रही। तो कहते हैं कि भाई और बात हुई, नई नई बातें और हुई। ये रस मंदाकिनी की जो धारा थी, ये तो कानों में प्रवेश करके न मालूम कितने लाखों लाखों प्रकार के भाव उत्पन्न करने लगी, लेकिन दधि मंथन काल में यशोदा मैया के वस्त्र, यशोदा मैया के आभूषण और यशोदा मैया के अंग प्रत्यंग में भी एक अनुपमेय माधुरी का प्राकट्य हो गया। तो कहते हैं कि उसका वर्णन तो हो नहीं सकता, वो केवल जो प्रेम पिपासु लोग हैं उनके द्वारा चिंतनीय है, वाणी नहीं कह सकती, वो अपना ध्यान से देखें कि क्या हुआ उस समय। तो उसका इशारा थोड़ा सा सुखदेव जी महाराज कर देते। तो यशोदा मैया जब उठी थी तो उठ करके उन्होंने नई साड़ी पहनी। तो साड़ी जो थी, आज मैया का महोत्सव है, जो पवित्र से पवित्र साड़ी धोबी के धोकर आई हुई नहीं, तो पवित्र हो जाती है।
ये अग्नि के द्वारा ये कपड़ा जब बनता है तो उसको धो करके अग्नि शुद्ध करते हैं, अग्नि के सामने यूं दे करके उसको सुखाते, आग के द्वारा शुद्ध होता है कपड़ा। अग्नि शुद्ध जो साड़ी थी, और वो साड़ी कैसी थी, उसमें विचित्र विचित्र चारु चित्रावली, और उस साड़ी का पीला रंग था और रेशमी साड़ी थी, तो उसको तो मैया ने धारण किया। अब वो मैया का वो साड़ी क्या थी, असल में वो था घाघरा, घाघरा था। तो मैया ने क्या किया कि कहीं ये जोर जोर से बिलों में ना तो नाड़ा बांधते हैं ना घाघरे का, तो क्षोमम वासः पुटकटिकटे बिभ्रति सूत्र लब्धम, यशोदा मैया ने उस रेशमी वस्त्र को घाघरे को सूत से उस नाड़े से अच्छी तरह से कस के बांध लिया कि कहीं ये दूध दही मचते समय स्खलित हो जाए, तो इस प्रकार उन्होंने बांध लिया। अब फिर क्या हुआ कि मैया जो हैं ये सेवा कर रही हैं भगवान की, तो अब कहां तो भक्त लोग ये अपने अपने दोषों के क्षालन के लिए, अपने से कोई दोष न हो जाए इसलिए चिंतित होते हैं, साधना विघ्न हो जाए। और मैया की चिंता यह है कि कहीं हमारी किसी भूल से बच्चे का अनिष्ट न हो जाए, और सब लोग तो अपने अनिष्ट की, अपने इष्ट को दूर करने के लिए, विनाश के लिए साधना में प्रवृत्त होते हैं, और मैया प्रत्येक बात को सोचती है इस दृष्टि से कि कहीं कन्हैया का कुछ अनिष्ट न हो जाए। तो मैया ने जो इतनी शुद्धता का विचार किया, ये विचार अनिष्टा शंका को लेकर के किया कहीं भी अनिष्ट न हो जाए, इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से शुद्ध वस्त्र को ही धारण किया, हाथ पैर धोए और फिर वो करने लगी काम। तो जो ही मैया ने ये लीला का गान आरंभ किया, तो उसके साथ एक तो बाजा था ही घर्षण का। अब मैया के गहनों ने देखा कि आज अपना भी काम बनाओ, अरे ये गहने वहने जो खाली शरीर की शोभा ही करते हैं तो भगवत सेवा में लगे, तो हाथों के कंकनों ने विचार किया कि आज हम शब्द करें, बिलो रही है ना, तो ये कंकन हिल रहे हैं, चूड़ियां हिल रही हैं, तो इनमें से झनत्कार का शब्द हुआ। तो इन्होंने मानो मैया की लीला के साथ साथ बजना शुरू कर दिया, ताल में ताल मिला दी। तो बोले भाई खाली गाने वाला ही हो, बजाने वाला ही हो, नाचने वाला कोई न हो तो ठीक समा बनता नहीं। तो कानों के कुंडलों ने देखा कि हम लोग नाचें, आज मौका मिल गया, शरीर हिल रहा ना, तो कुंडल लगे नाचने, यूं हिलने लगे, तो ऐसा मालूम हुआ कि यशोदा मैया के हाथ जब श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त हुए तो कंकनों ने बोले आज ही तो ये हाथों में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें आज मिला, तो कंकनों ने प्रसन्नता के मारे झनत्कार ध्वनि शुरू कर दी। बोले भाई ये कंकन तो शोभा के लिए, वो तो शोभा के लिए तो उनके लिए होते हैं जो इन गहनों के गुलाम होते हैं, गहनों के गुलाम लोगों के तो हाथ शोभित होते हैं गहनों से, और आज इनके ये गहने सुशोभित और धन्य होते हैं भगवान की सेवा करके, तो ये किसी धनी रमणी के हाथ के कंकन नहीं थे, यशोदा मैया के हाथ के कंकन ये परम भाग्यवान कंकन, ये सोना परम भाग्यवान, वो सुनार परम भाग्यवान, वो गहने की शक्ल परम भाग्यवती, कि आज
वो श्री कृष्ण के बाल लीला के गान के साथ और ये बज बज कर अपने को धन्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार गहने भी सेवा में लगे, कपड़े भी सेवा में लगे और कानों के कुंडल भी सेवा में लगे। कुंडल मानो एक बात और कह रहे हैं, कुंडल ये कह रहे हैं कि भाई जिन कानों में भगवान के गुणों की ध्वनि नहीं जाती वो कान तो सांप के बिल हैं। तो कान थोड़ी उनमें तो जहर जाता, रात दिन भोगों की बात, रात दिन विषयों की बात, विष भरते रहो अंदर। सजाने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं वो तो श्रृंगार का दासत्व है, वो भगवान की सेवा नहीं। तो आज गहने कपड़े और ये तमाम सार्थक हो गए। अब वो मैया तो लगी काम में, गाय ही। अब ये शरीर में रहने वाली प्रत्येक वस्तु भगवान के अर्पित, तो जो भगवान के लिए ही श्रम प्राप्त करें वो श्रम भी सफल, भयन श्रमित भागे। तो आज पसीने ने देखा, पसीने की बूंदों ने देखा कि हम भी सार्थक हो जाएं आज। तो श्री कृष्ण वात्सल्य प्रकट हुआ तो मैया के चेहरे पर थकावट ना, आज तो बड़े जोर से वो मथ रही हैं और दिन रात भर प्राय जगती रही हैं। तो मैया के मुखमंडल पर, ललाट पर पसीने की बूंदें चमक ही आई, बोले देखो आज हम भी धन्य हो गई। अरे पसीना आता है जगत का श्रम करते करते लोगों को, वो व्यर्थ का पसीना, गंदा पसीना होता है, वो बदबू आती उसमें, और ये पसीना भगवत रूप पसीने की बूंदे, ये सब के सब सफल हो गई। अब ये जड़ थी, मालती के फूल थे, मालती की माला भगवान ये श्री कृष्ण जननी यशोदा की वेणी में गुथी हुई। तो फूलों ने देखा कि हम सेवा करें, तो फूलों के मन में आया कि अरे ये तो भोगियों के सिर पर हम चढ़ रहे हैं तो ठीक है, पर जो भगवान के चरणों की सेवा में लगा है उसके सिर पर रहे हम, तो हिलाना शरीर, जोर से हिला तो मालती की माला छिन्न हो गई, टूट गई और उससे फूल टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। ये तो साधारण वर्णन, पर मालती की माला के पुष्पों ने सोचा मन में कि भाई ये कृष्ण सेवा रथा जननी के मस्तक पर रहना ये ठीक नहीं, तो वो मस्तक से च्युत होकर गिर गिर कर माता के चरणों पर गिरने लगे, धन्य हो गए। सिर पर चढ़े हुए फूल कृष्ण सेवा रथा माता के चरणों में आकर के धन्य हो गए। इस प्रकार वस्त्रों ने, आभूषणों ने, माला ने, सब ने अपने अपने को आज धन्य बना लिया। अब महाराज उधर क्या हुआ, उधर वो दधि मंथन की ध्वनि हुई, अरे घर 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 आवाज तो हुई ही और माता गा रही थी। अब माता का ध्यान कुछ तो लग गया दधि मंथन में था ही, और कुछ माता गाने लगी और अंदर आकर वो खेलने लगे जोर जोर से, आज उन्हीं की लीला सब। तो मैया का ये ध्यान नहीं रहा, मैंने सुनाई नहीं दिया कि वो कुछ बोलता भी है, गान करने लगी। तो ये आज पहले ही जाग गए, कुछ मैया को समय का भी ख्याल था कि अभी तो जागने का समय नहीं हुआ है, ये जाग गए। और दिन तो मैया जगाया करती, प्रभाती गागा कर जगाया करती, लाला जाग। आज लाला जाग गए, जाग गए लाला तो अब मैया दुखी नहीं। और दिन तो जागते ही मैया स्तनाग्र मुंह में दे देती, दूध पीने लगते थे। फिर मजे में जागते तो
आज मैया जो मैया इनको नहीं दिखी और मैया को सुनाई दे नहीं आवाज, वो आवाज हो रही थी तो उन्होंने देखा कि मैया कहाँ गई, क्या हो गया। तो जब बच्चा जागता और माँ नहीं दिखी तो मामा पुकारता है, तो ये भगवान भी वहां तो उनका शरीर मन वाणी तीनों एक रूप होकर के किसी सेवा में लग गए यशोदा मैया के। और इन्होंने जागा देखा मैया नहीं, दो चार बार यूं देखा फिर रहा नहीं, अरे माँ माँ कहाँ गई, माँ मैया कहाँ चली गई, पुकारने लगे। अब मैया तो मैया सुने नहीं, उधर आवाज में लग गई मैया, झनकार शब्द हो रहा बड़े मजे का, ये मधुर रब से मामा करने लगे, फिर रोने लगे। तो मैया ने बात नहीं सुनी। तो भाई कहते हैं कि देखो कितनी विचित्र बात है, सारे जगत के ऊंचे से ऊंचे साधक भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान तुम बचाओ, हे भगवान तुम रक्षा करो, हे भगवान तुम हमारी कामना पूर्ण करो, हे भगवान तुम हमें मुक्ति प्रदान करो, हे भगवान तुम हमारे बंधनों को काटो, मुक्तिकामी भी और भुक्तिकामी भी, सभी लोग भगवान को पुकारते हैं, रो रो कर पुकारते हैं।